ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या आपका अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? ऐसा सवाल किसको पूछा है? तो कोई बोलता है कि नहीं 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 मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मैं कोई अहंकारी नहीं हूँ, मैं मुझे बिल्कुल ईगो नहीं, ऐसा बोलते हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं समझ जाना कि उनको सबसे ज़्यादा ईगो है, क्योंकि ईगो नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ हम बोल सकते हैं कि हम ईगो कम करने में लगे हुए हैं, कि ईगो कैसा कम करेंगे, ईगोलेस अहंकार मुक्त कैसा जीवन जिएंगे। जितना ज़्यादा ईगो उतना ज़्यादा चांसेस है डिप्रेशन का, निराशा, मेंटल डिसऑर्डर का, एंग्जाइटी का, जितना ज़्यादा होगा ईगो उतना। आपको बताएं कि डिप्रेशन में लक्षण क्या होते हैं? एक तो है बहुत ज़्यादा नर्वसनेस और सैडनेस, सैड मूड, एकदम निराशा आती है, निराश आता है और मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है। कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है, प्लेजर नहीं आता, मज़ा नहीं आती कोई चीज़ करने में, नो इंटरेस्ट नो प्लेजर। तीसरा होपलेस लगता है, मतलब कोई आशा दिखती नहीं, कुछ भी आशा दिखती नहीं, कोई भी इसमें निराश हताश। नींद एक तो बहुत ज़्यादा आएंगी या बहुत कम आएंगी, या सुबह जल्दी खुल जाएंगी नींद, मतलब नींद साइकिल जो है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। खाने की हैबिट जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खाना चलता है, खाते हैं वो, या भूख एकदम निकल जाएगी, मतलब एकदम लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर ज़्यादा खाना खाएंगे। एनर्जी और वाइटलिटी बहुत कम रहती है, ताकत नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती, जैसा शक्तिपात हो चुका है कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ताकत छीन लिया किसने, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, मतलब आत्मसम्मान या अपना खुद के बारे में, खुद का मन, मैं बहुत गया बीता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, ऐसा उसको लगता है। रेस्टलेसनेस है, बहुत बेचैनी है, इधर से उधर करेगा, उधर से इधर करेगा, और यदि मोटर रिटार्डेशन है तो एक जगह ही बैठा जाएगा, कुछ नहीं करेगा फिर। कभी कभी ये व्यक्ति खुद को हार्म भी कर सकता है कि मज़ा नहीं है जीने में, मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है जी के, तो सुसाइड कर लेगा, मार लेगा। अकेलापन ये लोगों को बहुत महसूस होता है, आइसोलेशन, मतलब उनको लगता है कि आइसोलेशन रहा तो अच्छा है और अकेले रहे तो ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब वो किसी से मिक्स नहीं हो पाते, लोगों को उनको अच्छा लगता नहीं है। अभी ये जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो ईगोइस्टिक है उनको तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपको पता होगा कि 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 4.5% लोग भारत में डिप्रेशन से प्रभावित है, डिप्रेशन के बीमारी से ग्रस्त है। इसका मतलब ये हो गया कि करीब करीब 5.6 मतलब 5.5 करोड़ लोग अपने देश में, भारत देश में डिप्रेशन से ग्रसित, उनको डिप्रेशन है। और 3.8 करोड़ लोग, मतलब 4.25 करोड़ करीब करीब लोग एंग्जाइटी बीमारी से ग्रस्त है, एंग्जाइटी है, चिंता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। आपको पता होगा, नहीं होगा तो बहुत आश्चर्य लगेगा कि 19.86% लोग, मतलब करीब करीब 20% लोग इंडिया में, हमारे देश में मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारी है कुछ ना कुछ प्रकार की। और 5% लोगों को सीवियर मेंटल इलनेस है, सीवियर मतलब उनको तुरंत दवाई की या डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, 5%, 100 में से 5। हर साल हमारे देश में 2 लाख लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, और ये तो रिपोर्टेड केस है, कितने सारे केस रिपोर्टेड भी नहीं होते, मालूम ही नहीं पड़ता सुसाइड हुई करके। तो इतना बड़ा आंकड़ा देख के ऐसा लगेगा कि आने वाले सालों में होगा क्या, यदि 5 लोगों में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारी है तो फिर, और 100 में से 5 लोगों को सीवियर मेंटल इलनेस है, तो कितना मतलब बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। तो इसका तो इलाज करना ही होगा, इसके लिए हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लेते रहते हैं, जैसा ईगो टू ईको मूवमेंट हमारी, जिसमें हम ईगो कैसा कम करना है, ईगोलेस कैसे जाना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हर गुरुवार को मैं स्ट्रेस फ्री इंडिया ये मूवमेंट चलाता हूँ, जिसमें अभी ईगो टू ईको के तरफ कैसा जाना बढ़ना वो सिखाता कि डिप्रेशन कम होगा, डिप्रेशन आएंगे भी नहीं, एंग्जाइटी कम होंगी, एंग्जाइटी आएंगी भी नहीं। और साझे कौन से तरीके हैं, एक तो आपकी नींद अच्छी होना चाहिए, 7-8 घंटे की नींद रोज ले रहे, खाना पीना रेगुलर होना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं होना चाहिए। शराबी जो होते हैं वो कभी भी सुसाइड कर लेते हैं, बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, शराब लेते लेते उनका सब पैसा खलास हो जाता है, बॉडी एकदम डब्बा बन जाती है। अभी अभी हमारे परिचित हैं, उनके लड़के ने अभी सुसाइड कर लिया, खुद को लटका लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। उनको बताया मैंने कि भाई उसको अल्कोहलिक है, उसका इलाज करना होगा, मगर वो मानता नहीं है बेटा, और फिर माँ बाप भी उसकी मानते हैं कि नहीं वो तो छोड़ देगा एक दिन, कभी तभी छोड़ देगा, वो बोल रहा है कभी नहीं पिएगा, अभी नहीं बाद में आएंगे। मैंने बोला इतना सीवियर उसको अल्कोहलिज्म है, उसको एडमिट करके ही इलाज करना होगा, नहीं नहीं बाद में आते हैं,
घर जाके उसने लटका लिया। तो बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग, हर बात में पॉजिटिव थिंकिंग, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेस्ट है इसमें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीखते हैं ना तो डिप्रेशन नहीं होगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बताता हूँ कि भाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम सिखाते रहते हैं, डिप्रेशन के लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, और उसमें फिर क्या सही है क्या गलत है और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है वो हम उसमें सिखाते हैं। आएंगे मित्र परिवार आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब अपना परिवार खुद का सपोर्टिव, फैमिली अपनी और मित्र जो है वो भी। मेडिटेशन और हिप्नोटिज्म आप करते हैं रेगुलरली तो आपका माइंड ब्रेन बहुत रिलैक्स रहेगा, और ये सब करते करते यदि ज़्यादा डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है बहुत ज़्यादा है कि खान पान नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर उसको दवाई देने की जरूरत होती है, एंटी डिप्रेशन हम देते हैं, डिप्रेशन किल करने की दवाइयाँ, और वो दवाइयों से करीब करीब 15-20 दिन में बहुत अच्छा आराम पड़ता है। मगर यदि सुसाइडल है तो हम बार बार, मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं ना उनको मैं बोलते रहता हूँ कि भाई देखो इसको सुसाइडल थॉट है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ये बार बार अभी भी बोल रहा है, तो अभी दवाई चालू करेंगे तो 15-20 दिन लगेंगे उसका अच्छा फायदा दिखने के लिए, तब तक उसने लटका लिया तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा मत करो, अभी उसको तुरंत एडमिट करके शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। मानते नहीं लोग, नहीं नहीं हम देख लेंगे, उसके ऊपर ख्याल रखेंगे वगैरह, अगर उनको लगता है कि शॉक मतलब अभी क्या क्या होगा क्या नहीं। आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि अभी शॉक ट्रीटमेंट जो है मॉडिफाइड शॉक ट्रीटमेंट हम देते हैं, और मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि पेशेंट को सुलाया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है और उसको करंट दिया जाता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता, 10 मिनट बाद में वो होश में आ जाता है, उसको लगता है कि अपन सोए हुए हैं, उसको मालूम भी नहीं कि उसको करंट दिया है, बोलने की भी जरूरत नहीं है पेशेंट को, रिलेटिव्स को भी मालूम नहीं पड़ेगा यदि हम बोलेंगे नहीं तो, मगर हम बोलते हैं उनकी कंसेंट लेते हैं इसलिए रिलेटिव्स को मालूम पड़ता है, अदरवाइज मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो जो पिक्चर में बताया जाता है कि पकड़े है, बांध दिया है, फिर शॉक दे रहे हैं, चिल्ला रहा है, ऐसे क्रूर मेथड, वो मेथड रहते नहीं, वो पिक्चरों में है सिर्फ, एक्चुअली दवाखाने में वैसा होता नहीं है। तो यदि सुसाइड का पेशेंट है और वो डिप्रेशन का है और वो बोल रहा है तो उसको तुरंत शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि 10 में से 10 सुसाइड यदि हो गए, मतलब 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया, 9 लोगों ने पहले बोला रहता है, स्टैटिस्टिक्स है, 9 लोगों ने कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मैंने मरना चाहिए, ऐसा बोला रहता पहले, मगर हम ख्याल देते नहीं है। 10 में से 9 लोग मर जाते हैं, उन्हें पहले इंटीमेशन दी रहती है, हिंट दी रहती है, और हम बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी लिंक मैंने दी हुई है नीचे, नहीं तो फिर हमारे यहाँ फ़ोन करके वो प्रोग्राम्स में ज्वाइन करो, फ्री प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम में आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए, तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है,
उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।